उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता शम्मी कपूर। तुमसे अच्छा कौन है? सिल्वर स्क्रीन पर सबसे अलग अंदाज रहा शम्मी कपूर का। अलग अंदाज है उन गीतों का जो फिल्माए गए शम्मी कपूर पर। क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया शम्मी कपूर ने। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जिस अभिनेता शम्मी कपूर से मिलेंगे उन्हें आप पर्दे के शम्मी कपूर से बिल्कुल अलग पाएंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए सुनते हैं फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला की पांचवी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार, शम्मी कपूर जी से हमारी बातचीत जारी है और हम संगीतकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शम्मी कपूर जी, मदन मोहन जी का संगीत आपको कैसा लगता था? मदन मोहन, जिनकी गजलें। मदन मोहन आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गजल कंपोजर, वन ऑफ द फाइनेस्ट गजल कंपोजर। और वो भी बहुत जल्दी चले गए वो भी, और इनका म्यूजिक भी बिखरा हुआ है। मतलब मदन मोहन की फिल्में चाहे नहीं चले जाते, ज्यादातर उनके साथ ऐसा जान आ रहा, जैसे देख लीजिए। जी हाँ जी, क्या म्यूजिक था पिक्चर? हाँ। चली नहीं पिक्चर, पिक्चर नहीं चली, पर उनके गाने बहुत बहुत मशहूर हुए। एक पिक्चर थी हिंदुस्तान की कसम, या हिंदुस्तान की कसम, चेतन आनंद की पिक्चर। मैं उस पिक्चर के ट्रायल पे गया था और जब ये गाना बजा, कैन यू इमेजिन, आई स्टार्टेड क्राइंग, दिस ट्यून जस्ट हिट मी सो हार्ड। दुनिया दुनिया बनाने वाले, दे 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 से होना कभी अपने जुदा। बहुत प्यारा है। माय गॉड, बनाने वाले यही है मेरी।
कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन उसका सारा म्यूजिक ऑफ हीर रांझा. हीर रांझा, माय गॉड, व्हाट म्यूजिक, व्हाट म्यूजिक, व्हाट म्यूजिक. और अनपढ़ की गजलें, अनपढ़ हुआ. हाँ 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 इसी में प्यार की आबरू वो जफा करे मैं वफा करूं जो वफा भी काम ना सके तो वो ही कहे कि मैं क्या करूं है इसी में प्यार की आबरू. अदालत, 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 अदालत क्या क्या था था? यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में डाले, वो चुप रहे तो जहां आरा कर. दिल से दिल की
है वो ही साथ हो लिए खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए यूं हसरतों के नैनों में कजरा हाँ, मेरा साया मेरा साया क्या बात है साहब। नैनू में बदरा था।
और एक मैंने उनकी लाइट ट्यून के ही वाज कैपेबल ऑफ दैट आल्सो जी. वो क्या था वो जरूरत है जरूरत है जरूरत है जरूरत है जरूरत है सख्त जरूरत है जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े वो जुल्फ गालों से खेलती के जैसे दिन रात से लड़े हो कदाओं में बहार हो निगाहों में खुमार हो कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है जरूरत है सांसें बसी बसी हूँ मस्तियों में रसी रसी इतर में सांसें बसी बसी हूँ मस्तियों में रसी रसी दराज पल के झुकी झुकी हमें घनेरी कसी कसी हो फूलों में गुलाब हो खुद अपना जवाब हो वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है जरूरत है हाँ श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है जरूरत है सख्त जरूरत है. अच्छा गजलों का आपको खास तौर से शौक है? मैं मुझे क्लासिकल म्यूजिक से क्योंकि मेरा साथ रहा तो जाहिर है कि गजलों मैं मतलब कि इसी सभी को मीन मीन की बात करता हूँ जी. हाँ मैंने सुना हुआ है, मैंने इन लोगों को पर्सनली बैठ कर सुना हुआ है तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक बहुत सुना है, बड़े गुलाम अली वगैरह इन लोगों को सब बैठ कर सुना है. वक्त मिलता है मैं ओंकार नाथ जी को बनारस में बैठ कर सुबह 4 बजे अच्छा। और उनके वो मत जा मत जा मत सुना बैठ के मैंने 3 आवर्स मुझे इतना शौक रहा अत्री भाई को आई हैव पर्सनली सेड ऑन एंड. अच्छा और गजलों के जो गुलाम अली और मेहदी हसन इन सब की भी गजलें आपको पसंद हैं? हैं सब है मेरे पास. अच्छा गजलों की हम बात कर रहे थे तो कोई खास गजल अभी आपको याद आ रही है कि जो हम सुनवाए? आज जाने की जिद न करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद न करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो
आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
कितना मासूम रंगीन है ये समा हुस्न इश्क की आज मेराज है हुस्न इश्क की आज मेराज है कल की किस को खबर जाने जा उजाले उनकी यादों के फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम शम्मी कपूर जी से हमारी बातचीत जारी है। संगीतकारों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और संगीत रचनाएं भी सुन रहे हैं। शम्मी कपूर जी एक संगीतकार हैं, हालांकि उन्होंने बहुत सारा संगीत नहीं दिया है, पर उनकी एक अलग पहचान है, उनका गाना सुनते ही हमें याद आ जाती है। तो वो हैं संगीतकार जयदेव। जयदेव तुम चंदा मैं चांदनी रेशमा और शेरा म्यूजिक था उस पिक्चर का। I'm
रेशमा स्टोर और एक और पिक्चर थी उसकी अपनी पिक्चर, वो भी सुनील की पिक्चर थी, पहली पिक्चर जो उसने डायरेक्ट की थी, उसमें भी वहीदा थी, शी इज द सिंगर वो डांसर गर्ल, वो डकार्ड होकर वहां से उठा के मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, वो भी एक जयदेव था उसमें, जयदेव का म्यूजिक, उसमें एक्सीलेंट म्यूजिक था, उसमें भी एक दो गाने बहुत बढ़िया थे उसके। नदी नारे न जाओ शाम कैया परू, नदी नारे न जाओ शाम कैया परू, कैया परू शाम कैया परू, कैया परू शाम कैया परू, नदी नारे न जाओ शाम कैया परू, धारे न जाओ शाम पैया परू, बीच धारे न जाओ शाम पैया परू, बीच धारे करो उस पारे न जाओ शाम कैया परू, उस पारे न जाओ शाम कैया परू, उस पारे जो जाओ तो जय पे करो, उस पारे अल्लाह तेरो नाम, अल्लाह तेरा, हम दोनों फिल्म अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सब को सन्मति दे Thank you.
अरे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने, मैंने उनके साथ बहुत अच्छे काम नहीं किया था मैंने। हाँ, पर गाने उनके बहुत अच्छे। क्या बात है साहब, क्या बात है, लक्ष्मीकांत ने उनका गाना ही शुरू करना चाहिए, आया सावन झूम के। ओ झूम के आया सावन झूम के द द द द क्या बारीकी है मामा। बदरा है बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए ओए मच गई धूम रे ए आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के लुक छुप के गोरी रफी साहब ने, लता जी ने क्या गाया? आपका दिल हुआ कि कभी आपको उनके संगीत पे कुछ एक्टिंग करने का मौका मिला? बहुत बाद में आए थे, तब तक हम दुकान बंद कर चुके थे। नहीं, दुकान बंद तो नहीं हुई थी, करेक्टर रोल में आप, लेकिन उसमें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन क्या क्या बात, बातें मुलाकातें तो होती होंगी कि आप ऐसे। हाँ, मैंने उनके साथ काम करने वाला था, आई वाज टू डायरेक्ट अ पिक्चर फॉर मोहन कुमार जिसमें म्यूजिक उनका था, फिर वो बाद में नहीं हुई। वो तीन चार सिटिंग्स भी हुई थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का क्या कहूँ साहब, व्हाट अ कंपोजर और व्हाट ऑर्केस्ट्रेशन मास्टर, क्या बात है साहब। जब जब बहार आई हर फूल मुस्कराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मैंने नहीं बनाया
अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। ओ, देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। हो इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। ये म्यूजिक कहाँ है, आवाज नहीं है, बिल्कुल कलेजा निकाल के रख देने वाला है। नहीं म्यूजिक आजकल का, आई मीन दिस मेक्स यू पॉन्डर, स्टॉप, वेट, लिसन, ऐसा म्यूजिक। तो आपको क्या लगता है कि अभी म्यूजिक क्यों ऐसा हो गया? नहीं है, नहीं है। किस वजह से सुनने वाले नहीं रहे या बनाने नहीं, वाले सुनने नहीं? वाले हैं। आज के म्यूजिक में कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गई है, स्पीड ज्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है, बोल रहा है। हमारे घर में कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन बगैर अकल के तो कंप्यूटर भी नहीं इस्तेमाल हो सकता ना, मतलब आत्मा चली गई। अभी दो तीन लोगों को छोड़कर आज म्यूजिक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे जमाने में जितना म्यूजिक, गाने को छोड़िए, गाने का जो म्यूजिक होता, इंटरल्यूड म्यूजिक होता था, साइन लाइन का म्यूजिक होता था, वो सब याद रहता था, मुखड़े याद रहते थे, अंतरे याद रहते थे। आज अंतरे छोड़ो, मुखड़ा नहीं याद रहता, मतलब क्योंकि उसमें बीट्स ज्यादा होती है, रिदम बहुत होता है, और गाना कहीं नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, कुछ बात ही अलग है। कितना बढ़िया गाने हैं रहमान बच्चा देता है, इतना अच्छा म्यूजिक देता है, लेकिन उसको पूरा गाना याद नहीं रह सकता, नहीं रहता, पूरा गाना याद नहीं रहता, उसका मुखड़ा याद रह जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले गाने सुने जाते थे, आजकल देखे भी जाने लगे, क्योंकि घर घर टीवी होता है, इसलिए उसकी कहीं गाना अच्छा होता है तो आपको याद रहता है,
यू फील लाइक सिंगिंग दैट सॉन्ग, इट बस जाता है आपके अंदर, वो गाने नहीं बन रहे आजकल। मतलब इतने अच्छे लिरिसिस्ट नहीं रहे और धुने भी उतनी अच्छी नहीं रहे। मैं कह रहा मुश्किल है, लिरिसिस्ट भी नहीं अच्छा। आनंद बख्शी, मजरू साहब, अभी वो भी गुजर गए, वे है वेरी वेरी फाइन, वेरी फाइन लिरिसिस्ट। हमारे ज़माने में लोग बाथरूम सिंगर्स कहते थे क्योंकि गाने थे बाथरूम में गाने के लायक। आज गाने नहीं बेच रहे लोग, बाथरूम में क्या गाएंगे। इट्स अ पिटी, क्या है कि मेलोडी निकल गई हमारी म्यूजिक में से। हमारा बेसिक बेस था जो म्यूजिक का हमेशा मेलोडी रहा है। आप शंकर जयकिशन छोड़िए, आप आरसीओ बराल और वगैरह, आप चले जाइए न्यू थिएटर का सारा जितना म्यूजिक है मेलोडी बेस था। और उस मेलोडियस संगीत के लिए आवाजें भी तो कितनी शानदार थी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। बहुत याद आए वो जब याद आए, बहुत याद आए गमे जिंदगी के अंधेरे में, हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजर झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। रफ़ी साहब ना सिगरेट पीते थे ना शराब पी, ना चाय भी नहीं पीते थे, बैडमिंटन खेलते थे जाकर, बांद्रा क्लब के मेंबर थे वो, उनका एक ही शौक था जाके, क्योंकि उससे ज़रा सांस वांस ठीक रहती थी। सिंगिंग एंटेल्स अ लॉट ऑफ ब्रेथ, सांस चाहिए। लता भाई कैसे गाती हैं, रोशन के साथ वो बहियों से धार जिया मेरा बेकरार, सुन सुन दिलदार जाओगे कहाँ दिल तोड़ के, दरा 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 दा 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 दा। ये इंटरल्यूड म्यूजिक भी हम लोगों को याद है, पहले इंटरल्यूड भी याद रहता था। लता भाई और मैं एक दिन वापस आ रहे थे हम लोग दिल्ली से, प्लेन में बैठे हुए, लता जी ये सामने बैठी और मैं पीछे बैठा हुआ था, वो भी अपने गुनगुना रही थी। अच्छा। मैं भी नीला और मैं थे, लता जी उनकी बहन नीरा साहब थे, मैं भी गुनगुना रहा था। फिर अचानक मैं टर्न कर देखा, शम्मी, शम्मी जी ये क्या गा रहे हैं आप, क्या गा रहे हैं, कहाँ से याद आया आपको? अगर मुझे नहीं याद आएगा तो फिर किसको याद आएगा। वो गाना था सैया पिक्चर का गाना है, सज्जाद का म्यूजिक है उसमें, कारी कारी रात दिल बड़ा, दिल बड़ा सताए तेरी याद आए, बहुत अच्छा गाना। झूठों से प्यार है क्या किया, सारे जहां का दुख ले लिया, अब टूटा बन जाए कारी कारी में। बहुत सज्जाद साहब का म्यूजिक भी एकदम, वो दिल में क्या म्यूजिक, वो तो चले गए या दिल याद से उनकी प्यार कर, मेरे पास है इसमें, बहुत ही प्यारा क्या क्या म्यूजिक। वैसे सज्जाद साहब के म्यूजिक की तो क्या बात है, एक एक उनकी संगीत रचना अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल। अभी आप जो शम्मी कपूर जी गाना गुनगुना रहे थे सैया फिल्म का, आप कहें तो वो श्रोताओं को सुनवा दें। काली काली रात रात रे बड़ा सताए,
उजाले उनकी यादों के आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पांचवी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। जरूर सुनिएगा जाने माने फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।